वेलकम टू टॉक विद सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में, और ये वैकेंसी निकल के आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। इसमें योग्यता बीएससी एजी एंड एलाइड सेक्टर्स मांगे गए हैं, और इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले आप लोग इसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है www.wbhrb.in, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ऊपर भी लिखा है, चाहे जहाँ से नोट कर लीजिए। और इसी वेबसाइट पे आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। और यहाँ पे ये डेट दी गई है 29/4/2022 से 13/5/2022, ये लास्ट डेट है 13/5/2022, और 29 से स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के एप्लीकेशन। तो इसको आप लोग अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो इस डेट से पहले कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्केल ऑफ पे दिया गया है वो लेवल 12 का है, 35,800 से 92,100, और रूल्स जो 2019 के हैं यही सब दिया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा अदर अलाउंसेस एडमिसिबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स, मतलब इसके अलावा और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल की जॉब है, काफ़ी दूर है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है एबीपीएस की, उसमें जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, उनको काफ़ी दूर जाने दी जाती है कभी कभी, और पास में भी मिल जाती थी पहले, लेकिन अब काफ़ी दूर मिलती है। जैसे मेरे कुछ मित्र लोग हैं, उनको भी केरला में ज्वाइनिंग मिली है, कुछ को और दूर मिली है, तो वो लोग अभी भी वहाँ पर कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि जॉब इतनी ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए कहीं भी जाया जा सकता है और जाते भी हैं लोग। और इसके अलावा यहाँ पे एंटिसिपेटेड वैकेंसीज दी गई है, मतलब वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड जो है 38 वैकेंसी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक एसटी की, ओबीसी की एक है, और दो एससी की है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है आप लोगों की 44 हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है होल्डर ऑफ ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर। इसके अलावा वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, और डिग्री इन मेडिसिनल फॉर्म, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी से आप लोगों की होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों की सभी मार्कशीट अटैच्ड करके अपलोड की जाएंगी, और यहाँ पे एसेंशियल होनी चाहिए डिग्री, ठीक है ना। और टोटल मार्क्स जो हैं ये अभी आपको क्लियर करेंगे आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अलग भी दिया गया है, यहाँ पे आपका ये एग्रीकल्चर का दिया गया है, और बाकी सब जो डिग्री अभी मैंने पढ़ के बताई ये सब दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा बहुत काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अगर अप्लाई करना चाहें तो इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अब बात करते हैं इसमें फ़ी एंड एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ईयर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट में 5-5 साल का है शेड्यूल कास्ट और ये सब। और इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का। और इसके बारे में बात करें फ़ी टाइप का, जो फ़ी जो होगी वो आप लोगों की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फ़ी दी जाएगी, और ओबीसी वालों को फ़ी देनी पड़ेगी, बाकी सभी लोगों के लिए फ़ीस माफ़ है, कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। और एज की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम एज 36 वर्ष होनी चाहिए। तो इस और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 को होगी, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा फ़ीस कितनी पड़ने वाली है, फ़ीस पड़ेगी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 210 रुपये सिर्फ फ़ीस पड़ेगी आप लोगों की। इसके अलावा जो फ़ीस है यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट एंड कैश ETC शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन फ़ीस ही आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी, ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हर एप्लीकेशन में लिखी हुई होती हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, इसका यहाँ पे दिया गया है, और आप लोग इसको PDF या JPG मोड में
बना के डाउन अपलोड करना पड़ेंगे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है ना। इसके अलावा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लोगों का, ये एकेडमिक मार्क्स होंगे, ठीक है ना। 85% में एकेडमिक मार्क जो आप लोगों के हैं वो जोड़े जाएंगे, मतलब आप लोगों का जो भी परसेंटेज होगा वो उस हिसाब से 85 मार्क्स के मतलब रेशियो 85 और 15 का रेशियो हो, 15 का जो मार्क्स हैं वो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, बाकी एकेडमिक मार्क्स जो हैं उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक तरह से इंटरव्यू ही होगा, इसमें मेन होगा और बाकी तो एकेडमिक मार्क्स ही लिए जाएंगे। तो ये आप लोगों का हो गया पूरा एप्लीकेशन, और आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा, और इसमें सिर्फ एकेडमिक मार्क्स के आधार पे ही होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसीलिए कोई सिलेबस वगैरह नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपको दिखा भी दिया मैंने, सारी बात क्लियर कर दी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।